बात नहीं है। साइलेंस। सो आज इंटरनेशनल कॉफी डे भी है, सो कैसा लग रहा है आज मीटर वैली भी लॉन्च हो रहा है साथ में? काफी अच्छा है क्योंकि सर सामने देखिए या लुक यहां पे रहेगा। ओके सो हमारा एक और ब्रांड है लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। साइलेंस साइलेंस। आज इंटरनेशनल कॉफी डे है एंड वी आर इनटू कॉफी बिजनेस। हमारा ब्रांड है विंटेज वैली कॉफी। वी आर हियर सिंस 1890 फ्रॉम जनरेशंस बेसिकली। और ये कॉफी आती है कूर्ग से, डाउन इंडिया कर्नाटका से आती है। एंड कूर्ग कॉफी इज नोन एज द बेस्ट शेयर्ड कॉफी इन द वर्ल्ड। आज इंटरनेशनल डे है इसलिए हम ये लॉन्च किए। अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स हमारा एक और ब्रांड है लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स जो कमला मिल में, इट इज द बिगेस्ट बार इन इंडिया। वहाँ पर भी विंटेज वैली कॉफी सर साथ में ये जगह में भी सर्व करने होने वाला है जी। इट्स गोइंग इन ऑल द रेस्टोरेंट्स इन ऑल द कैफेज। हमारे अलावा भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिनको हम सप्लाई करेंगे ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। The special about Vintage Valley ये है कि हमारा खुद का फॉर्म है। वी ग्रो, वी पिक, वी प्रोसेस, वी रोस्ट, वी डू एवरीथिंग इन हाउस। इसलिए ये स्पेशल है हमारे लिए और हम लोग के लिए जो लोग भी पी रहे हैं। आज तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे अब्रॉड, सो आई थॉट लेट्स डू इट इन इंडिया, गेट दिस ब्रांड, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, लेट एवरीवन हैव इट द गुड क्वालिटी कॉफ़ी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज वी ग्रो, वी डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। Palms on you, but they were just discussing about it and you know, let's make it a brand here, we have such a good network and all, such a good setup, so why don't we introduce it, started from a small level, now we are climbing some big quality, yeah, we will start beans also like malls and all, like to sell the beans, apart from that, restaurants to hay, then we will launch cafes also, especially like कॉफ़ी में मेहनत बहुत लगती है फार्मिंग में। इट्स नॉट ईजी के बस आगे लाइक वी आर द फार्मर्स, आई एम अ फार्मर, आई एम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली। वी ग्रो कॉफ़ी फ्रॉम द स्क्रैच और कॉफ़ी हर साल एक टाइम आती है विच इज़ इन जैन और फेब, वेयर वी गो फॉर द पिकिंग बेसिकली टू कूक। एंड कॉफ़ी इज़ द सेकेंड बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। देखा जाए तो 70% पीपल ड्रिंक कॉफ़ी एंड 30% ड्रिंक टी अकॉर्डिंग टू द सर्वे। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। सो इट्स गॉट अ ह्यूज डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, एवरीवेयर बेसिकली। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड मैं और नवीन भाई के विंटेज वैली को सब जगह लेके जाएं। ये विंटेज वैली भी नाम क्यों रखे हैं क्योंकि द होल फॉर्म इज विंटेज फ्रॉम जनरेशंस। काफ़ी सालों से हम लोग कॉफ़ी में ही हैं, काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली हमारे आउटलेट्स लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स ये है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स कमला मिल, जलवा, डियाब्लो, फ्लाइंग सॉसर, देन इन दिल्ली में ऑलमोस्ट 30 रेस्टोरेंट्स हैं जो हर आउटलेट में जाएगा। हमारे अलावा विल बी सप्लाइंग टू ऑल अदर आउटलेट्स, फाइव स्टार होटल्स, हर जगह कॉफ़ी लगती है। आप जाओगे तो रूम में भी कॉफ़ी लगती है, हर जगह हम। आज स्पेशल डे है और कोविड भी ख़त्म हुआ है, धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, तो हम सोचे कि टुडे इज अ गुड डे टू लॉन्च। सर नेस्कैफे एंड फुटबॉल भी है मार्केट में, सो ये क्या डिफरेंट है? नेस्कैफे जो है इंस्टेंट कॉफ़ी है, इट्स लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस है, ये फ्रेश बीन्स है,
फ्रेश कॉफ़ी निकल के उसमें इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. दैट इज़ लॉट ऑफ केमिकल विच इज़ नॉट, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ. जो इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. गूगल में है, आप रिसर्च कर सकते. इंडिया में हम लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं. बेसिकली हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कॉफी. वी हैव अराउंड 100 एकर्स ऑफ लैंड प्लस वी आर अक्वायरिंग मोर 100 एकर्स ऑफ लैंड. तो कॉफी मतलब ह्यूज बेसिकली. वी कांट कीप एवरीथिंग फॉर आवर कंपनी. इसलिए हम लोग सोचे कि एक सेगमेंट जो बेस्ट कॉफी का सेगमेंट है जो ये ग्रेड है हम लोग इंडिया में रिटेन करेंगे. और हमारी कसम जैसे कि स्टारबक्स है, नेस्कैफे, तो इन दोनों में अलग अलग स्पेशलिटी है. काफ़ी कम रहेगा क्योंकि टाटा जो स्टारबक्स है उनका फार्म और मेरा फार्म वी आर नेबर्स बेसिकली. सॉइल इज सेम बेसिकली. तो ऑफकोर्स स्टारबक्स इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया में है. वी आर जस्ट स्टार्टिंग न्यू. Hopefully we'll reach, not there, maybe somewhere, but we'll be going for that. And one day we'll reach somewhere. Sir, being a celebrity, being a known face of, you know, I think it's going to promote a brand. Coffee, see, coffee is, it's not alcohol or something, it's a good product. Sab kuch chahiye, everyone drinks coffee. Her actor, actress, aam aadmi, her aadmi ko coffee chahiye. So I think it's a great business to be, it's a white collar business. I don't want any brand ambassador. Coffee खुद the brand ambassador. Coffee जैसे आपने बनाया तो is it called as organic coffee? Yeah. Again I'll tell you something. हमारा जो 100 acres of land है उसमें से 50 acres is a different concept where we export out of that. So 50 acres is only organic. हमारे पास दोनों choice है, organic and because without this lot of insects and all, so control to karna padta hai, so we use certain things. But we have organic also, and we grow two kinds of coffee. One is Arabica and one is Robusta. Arabica, sab log aaj jo pee rahe the, wo Arabica. And the people in India, they like the sweeter taste, so Arabica is little sweeter. Our Robusta is the strongest coffee, which is little bitter. So are we serving both here? We'll serve both, organic and. कॉफ़ी क्या है, हम लोग होटल जाते हैं या कहीं भी इंस्टेंट होटल रूम में हैं तो इंस्टेंट डालते हैं, गर्म पानी डालो और बना के पी. इट्स क्वाइट ईजी टू मेक. इस पर थोड़ा सा प्रोसेस है जो बीन्स को क्रश करना पड़ता है, फिर हॉट वाटर डालना पड़ता है. वो जो इट्स हेल्दी, वो एकदम केमिकल है एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इन अ लॉन्ग रन. उस पर कैंसर भी हो सकता है इंस्टेंट कॉफ़ी में. और इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं आप, यू कैन सी योर सेल्फ स्वेटिंग और इसमें स्वेट नहीं आता एंड योर हार्ट भी इंक्रीजेस. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट द इंस्टेंट कॉफी. कोल्ड कॉफ़ी भी है, कोल्ड कॉफ़ी का प्रोसेस सेम है, थोड़ा आइसक्रीम आ जाता है या दूध आ जाता है, हर आदमी को अलग अलग चीज़ें. सर, चाय का उत्पादन 1859 में हुआ. चाय चीन में 1859 में आई. कॉफ़ी का भाई और कॉफ़ी ज़्यादा पीने वाला कौन सा देश है? कॉफ़ी 1844 में थी जो फर्स्ट प्लांटेशन कूर में लगा. तो इट इज़ देयर फ्रॉम जनरेशन. तो चाय ऑफकोर्स चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना में हर गली में चाय ही चाय, मतलब हर दिन सारी चाय पीते हैं लोग. बट कॉफ़ी ऑफकोर्स आप यूरोप चले जाइए, जहाँ भी कोल्ड कंट्रीज हैं, विल सी ओनली कॉफ़ी. आपने सर रिसर्च भी किया होगा कि ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, तो कितने परसेंट लोग कॉफ़ी पीने वाले अभी हैं? तो आपने ये देखिए, अभी ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि आप कहीं भी आपको चाय कॉफ़ी शॉप नहीं मिलेगी, कॉफ़ी शॉप नहीं मिलेगी कॉफ़ी पूरे हिंदुस्तान में. तो कॉफ़ी ड्रिंकर्स आप हैं, ऑफकोर्स चाय की एक आदत है. कॉफ़ी ड्रिंकर इंक्रीजिंग
क्या है ना, ना घर में हम लोग चिंता ही है कि आप कहीं किसी को बोलो तो बोले चलो लेट्स गो फॉर अ कॉफी। केमिकल कॉफी मतलब इंस्टेंट एम टॉकिंग, ऑर्गेनिक इज व्हाट यू हैड दिस ऑर्गेनिक। ऑफ कोर्स काफ़ी एजुकेशन कम है लोगों को कॉफ़ी के, पीपल जस्ट थिंक इट्स कॉफ़ी और पी, पर उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे तो इंस्टेंट कॉफ़ी अब पियोगे जितना फ्रेश बीन्स कॉफी, इंस्टेंट कॉफी इज़ वेरी बैड। ऑफ कोर्स इट विल बी अफोर्डेबल, स्टारबक्स इज वेरी एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी। Of course, I'll be half of the price of whatever Starbucks is selling because I have more plantation. Even the affordability you just mentioned, the price range can range. People who are coming and enjoying coffee at your outlets, and if it's... See, if you go to Starbucks, coffee 200-250 rupees, 300 rupees se niche hai nahi. Our price will be around 150-125. You want to come in that bracket? That will, of course. आई वांट टेल एवरीवन आइए अपने होटल्स में जहाँ जहाँ विंटेज वैली है, ऑफ कोर्स आई विश एवरीवन हूएवर इज देयर इन दिस बिजनेस विश देम ऑल द बेस्ट। और वी जस्ट लॉन्च्ड, आई होपफुली वी ग्रो अहेड इन फ्यूचर, एंड थैंक्स टू नवीन भाई हु इज वेरी हेल्पफुल इन दिस, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम एंड एसोसिएट एंड टेक दिस फॉरवर्ड टू ऑल द रेस्टोरेंट्स। प्रोसीजर है वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। कंप्लीट प्रोसेस यस।
आपने एक्सपीरियंस किया? मैंने हाँ मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था, बहुत अच्छा है और मैं सुबह पीता हूँ, मेरे को इन्होंने गिफ्ट भी दिया है, पहले से ही दे रखा है मुझे लॉन्ग से पहले ही, और मेरे को बहुत पसंद आई है, मैं सुबह भी पीता हूँ और शाम को भी पीता हूँ, और बहुत मतलब इनका जो फार्म है मैं गया नहीं हूँ, कभी विजिट नहीं किया हूँ, बट मैं वीडियो में देखता हूँ, सब ब्यूटीफुल. It's always good to get good response from friends, family, and everyone. Actually, I hope everything goes well. And the COVID se abhi bhi har cheez khulne lagi hai Mumbai mein. Abhi 10 baje se kuch. I hope they open till 12 and 1. Looking forward for that, and I can start my supply to all the coffee shops. अभी मैं एक्चुअली कॉफी पे तो मैं रेडी करके आया है, नहीं गाना खाना अभी तो मतलब हमारा एक गाना आया था अभी पीछे दुर्गर से गाना आया था, तो मैं उसकी दो लाइनें सुना दूंगा, और उसमें ये है कि अखियां दे विच नींद गवाची दिल दा भी चैन खो गया मैं तां कदे सोचे जो मेरे नाल हो गया तू मैनू अंज क्यों ठगिया मैनू पता नहीं लगिया दिल तेरे हाथों टुटिया हुण भी ये दर्द बड़ी. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. कॉफी पीजिए, बताइए कैसे लगी आपको. एक मिनट, एक आप ले लो, मैं हाँ हाँ सर सर सर. थैंक यू.